पाकिस्तान के निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुलकर फलस्तीन से इजहार यकजहती, कहा मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फलस्तीन में मजालिम का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। आलमी बरदरी इसराइल की सफाकियत का नोटिस ले। तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा से फलस्तीन के मामले पर बात करूँगा। झूठा वावेला करके इमरान खान ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। तब्दीली नहीं है, तबाही है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम दरअसल कौम के साथ होने वाला एक ऐसा फ्रॉड है जिसने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशानात लगा दिए। वजीर आजम साहब फोन पर हेलो हेलो करने के ड्रामे से मुल्क में महंगाई खत्म नहीं हो सकती। और क्या शहबाज शरीफ ईद पाकिस्तान में ही गुजारेंगे? हुकूमत का शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने का उसूली फैसला। काबीना की जेली कमेटी आज नाम ईसीएल में शामिल करने की सिफारिश करेगी। कमेटी से मंजूरी के बाद काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली जाएगी।